ईडी और सीबीआई के द्वारा एक तरफ जहां लालू यादव पर लगातार दबिश बनाई जा रही है, तो दूसरी तरफ लालू यादव बिना किसी टेंशन के राजधानी पटना की सड़कों पर घूमते हुए नजर आ जाते हैं। आज लालू यादव राजधानी पटना स्थित कच्ची दरगाह पहुंचे थे, वहां उन्होंने माथा टेका। यह वही दरगाह है जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित सूबे के तमाम नेता माथा टेकने के लिए पहुंचते रहते हैं। बीते दिनों लालू यादव राजधानी पटना स्थित महुआ बाग अपनी निजी ज़मीन का मुआयना करने पहुँचे थे। उसके पहले लालू यादव लंबे अरसे के बाद अपने गाँव और ससुराल भी गए हुए थे। ऐसा देखा जा रहा है कि लालू यादव राजधानी पटना की सड़कों पर आए दिन घूमने निकल जाते हैं। मरीन ड्राइव पहुंच गए थे लालू यादव कुछ दिनों पहले, वहां उन्होंने आइसक्रीम खाया था, भुट्टा खाया था। तो दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई की दबिश लगातार लालू यादव पर जारी है। सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि लालू यादव बैडमिंटन खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, मतलब लालू यादव स्वस्थ हैं, उनकी जमानत रद्द हो जानी चाहिए। और उनकी जमानत को रद्द करने के लिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। जिस चारा घोटाला मामले में लालू यादव जमानत पर चल रहे हैं, उस चारा घोटाला मामले में जमानत रद्द करने के लिए लालू यादव के खिलाफ सीबीआई लगी हुई है। लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन लालू यादव पर इन सब बातों का कोई असर नहीं दिखता है। लालू यादव बिना किसी टेंशन के राजधानी पटना में घूमते हुए नज़र आ जाते हैं। अब लालू यादव राजनीति में भी सक्रिय हो चुके हैं, लगातार अलग अलग कार्यक्रम में भाग लेते हैं, उस कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं। अपनी निजी ज़िंदगी में और राजनीतिक तौर पर लालू यादव अब काफ़ी सक्रिय हो चुके हैं। ईडी और सीबीआई की दबिश का उन पर कोई असर नहीं दिखता, उन्हें इस बात का कोई फिक्र नहीं है कि उनके खिलाफ़ क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ सुनवाई हो रही है। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार सहित पूरे देश में तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ लालू यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, क्योंकि सीबीआई ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी जमानत रद्द होनी चाहिए, क्योंकि वो स्वस्थ हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।